हरियाणा के हमजापुर गांव के विद्यार्थियों और गांव वालों ने बस न रुकने की समस्या को लेकर रोड जाम किया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने करीब एक घंटे तक फतेहाबाद रतिया रोड पर जाम लगाकर नारेबाजी की। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में रोडवेज बसें नहीं रुकती, स्कूल में जाने वाले बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी दौरान स्कूल जाने वाली लड़कियों का कहना है कि रोजाना बसें न रुकने के कारण समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाती। हरियाणा के हमजापुर गांव के विद्यार्थियों और गांव वालों ने बसें न रुकने की समस्या को लेकर रोड जाम किया है। ग्रामीणों ने करीब एक घंटे तक फतेहाबाद रतिया रोड पर जाम लगाकर जमकर नारेबाजी की और वहीं ग्रामीणों का इस पूरे मामले पर कहना है कि उनके गांव में रोडवेज की बसें नहीं रुकती हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों का रोजाना उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी दौरान जब स्कूली लड़कियों से बात की गई तो उनका कहना है कि रोजाना बसें न रुकने की वजह से वो स्कूल देरी से पहुंचती हैं। हरियाणा के हमजापुर गांव में विद्यार्थियों और गांव वालों ने बस न रुकने को लेकर रोड जाम किया है। मामला यही है कि बच्चे यहाँ सुबह 6 बजे तैयार होके आते हैं और यहाँ दो दो तीन तीन घंटे खड़े रहते हैं और फिर स्कूल जाते हैं लेट। 5 किलोमीटर दूर वैसे जाना पड़ता है बस में और फिर 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो फिर टीचर डांटते हैं, पूछते हैं कहाँ रहते हो, कहाँ क्या करते हो तुम, इतनी लेट जाते हैं, घर से बुलाए जाते हैं, फिर क्या करें, कहते पढ़ते नहीं बच्चे, फिर एग्जाम के टाइम हमारे 0 नंबर आते तो क्या करिए, फिर पढ़ाई तो सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल गलत है, बेटी पढ़ेगी नहीं, टाइम से पहुंचेगी नहीं स्कूल तो पढ़ेगी क्या और वो बढ़ेगी क्या, फिर ये नारा बिल्कुल गलत है। सरकार तो विकास के नाम पर विकास हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है, ये विकास हो रहा है आप देख सकते हो, विकास कुछ भी नहीं है। पेपर भी स्टार्ट है आपके? हाँ जी पेपर स्टार्ट है, अभी इसी मंथ से स्टार्ट है और क्या आप करेंगे पेपर में जब पढ़ाई नहीं हो रही टाइम से। कब से ये परेशानी आ रही है? ये बहुत दिनों से परेशानी हो रही है, हम बोल भी रहे हैं फिर सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या कर सकते हैं, अब यही करना पड़ेगा। चढ़ाते क्यों नहीं है, वजह क्या है? चढ़ाते हमें क्या पता, रोकते नहीं बस, यहाँ पे कहते परमिट नहीं है, परमिट इनके पास नहर का तो है, सरदुलगढ़ का तो है, कैंची का तो है, यहाँ पे हमजापुर का जी। देखो साढ़े बच्चे सवेरे स्कूलों तैयार होके आते हैं, ठीक है जी, उरे आके खड़े रहते हैं, ना तो गड्डी कोई रोकता, जे कोई सवारी चकनी होती है तो अगे जाके रोकते, बच्चों के कोल नहीं रोकते, ठीक है जी। ये भरपूर अड्डे से भी यही दिक्कत है जी, ठीक है जी, हमजापुर भी यही दिक्कत है जी। इन्हों को जो पूछिए गल करिए तो कहते साढ़े को परमिट है नहीं जी, परमिट पूछिए तो परमिट इन्हों को है, एक तो सरदुलगढ़ कैंचियां का है जी, नहर का है, वीड्डी नहर का है जी, उत्थे परमिट है इन्हों का, इस तो बाद इन्हों को है जी तहसील का परमिट, उदू बाद भरपूर अड्डा आ जाता, उतों का कोई परमिट नहीं है जी, इन्हों को हैपड़ का परमिट है जी, उपर हैपड़ तो परे परे रोकते, उतों का परमिट है जी, हमजापुर का कोई परमिट नहीं है जी, एरमा का परमिट है जी इन्हों को, जितों के यानी कि जिते सवारी मिलती है उतों का परमिट है जी इन्हों को, जिते सवारी बच्चे खड़े होंगे उतों का कोई परमिट नहीं है। बच्चे किराया भी देंगे ने फिर क्यों नहीं रोकते? किराया असं दे के जेबा जो पा के दें किराया, भी बेटा आप बेसबाजी नहीं करनी, जिन्ना किराया लगता थोड़ा किराया देना, आप टिकट कटवा के आनी है, प्रॉब्लम की आ कहते ना जी बच्चों तो कहते असी चढ़ा ही नहीं, बच्चों की समस्या ही नहीं साढ़े को, साढ़े को सवार समस्या हैगी है जी, बदतमीजी भी करते हैं बिल्कुल करते जी, साढ़े ना करते तो बच्चों को बख्शते थोड़ी है जी, बुढ़िया की बख्शते जी, साढ़े ना करते जी, असं गल करिए तो साढ़े ना बेसबाजी करते जी, बच्चन किनिया परेशानियां झेलनी, परेशानियां बहुत जी, सानू आप नू आप दे काम छड़ के जाना पैंदा जी, बच्चों छड़न वास्ते स्कूल सानू काम छड़ के जाना पैंदा, बच्चों लैण वास्ते नहीं छड़े जांदे जी, उधरों दा नारे ला रखे खट्टर सरकार ने जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ दे नारे गड्डियां ते ला रखे, स्कूलों के उत्ते ला रखे, बिल्कुल गलत ला रखे जी इन्होंने, ठीक है जी, ये बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल गौर नहीं कर रहा बच्चों की पढ़ाई ते, बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाती है जी, ठीक है, इन्हों गौर करनी चाहिए है, साड़ी रिक्वेस्ट है खट्टर सरकार तक वीडियो पहुँचनी चाहिए है, खट्टर सरकार को पता लगना चाहिए कि मेरे हरियाणे दे विच मेरे इलाके दे विच की हो रहा है की नहीं हो रहा। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फतेहाबाद से जितेन मुगा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेन, जिस तरीके से बात कर ली जाए हरियाणा के हमजापुर गांव की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर विद्यार्थियों और जो ग्रामीण हैं उन्होंने बस नहीं रुकने को लेकर यहां पर जाम किया है, एक बार क्या इन लोगों की मांगे हैं इसे लेकर पूरी अपडेट। फिर मांग की बात कीजिए तो ग्रामीणों का कहना है कि बस जो यहाँ नहीं रुकती है, फतेहाबाद रतिया का ये रूट है और चंडीगढ़ रूट भी इसे कहा जाता है, लेकिन विद्यार्थियों की साफ तौर पर यही समस्या है कि बसें नहीं रुकती है जिसके कारण वो रोजाना स्कूल पहुंचने में उन्हें देरी होती है और यही कारण रहा कि पूरे गाँव का गुस्सा जो फूटा, विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावक और अन्य लोग भी मौजूद थे, उनके द्वारा गाँव में करीब एक घंटे तक ये रोड जाम किया गया जिसके बाद पुलिस प्रशासन पहुंचा और शहर थाना प्रभारी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बसें रुकने को लेकर उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी और बसें रुकेंगी तब जाकर ये जाम खुला है जी। किन किन परेशानियों का यहाँ पर जो बच्चे हैं जो छात्र जो स्कूल जाते हैं उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है?
कुछ विद्यार्थियों ने साफ तौर पर बताया कि बसें नहीं रुकने के कारण वो रोजाना ही लेट हो जाते हैं, जबकि बिना जो रूट तय है वहाँ पे बसें रुक रही हैं और उनके गांव के बस स्टैंड पर बसें नहीं रुकती और विद्यार्थियों को ये बस संचालक जो है अपनी बसों में नहीं बिठाते हैं। और खास तौर पर इसमें लड़कियों को, जो स्कूली बच्चियां हैं, उन्हें दिक्कत का सामना जो करना पड़ रहा है और कुछ स्कूली बच्चियों ने आज रोड जाम करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी जो है वो की है। जी जितिन, जिस तरीके से आपने कहा कि आश्वासन भी दिया गया है, जिस तरीके से बच्चों ने और ग्रामीणों ने यहाँ पर जो है रोड जाम किया, तो उसके बाद आश्वासन दिया गया, तो आश्वासन देते हुए क्या कुछ कहा गया है? ये आश्वासन पुलिस बल के द्वारा दिया गया है। उनका कहना है कि आप रोड जाम मत करिए और रोड विभाग से आपकी बातचीत करवा दी जाएगी और हमजापुर में बसें रुकेंगी, क्योंकि ग्रामीणों का यही कहना था कि जब भी वो रोड विभाग के पास जाते हैं तो उनका यही कहना होता है कि हमारे पास बसें रोकने का गांव हमजापुर में परमिट नहीं है। तो इसको लेकर अब जो समन्वय बिठाने की कोशिश पुलिस के द्वारा भी जो की जा रही है और ग्रामीणों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर बसें नहीं रुकती हैं तो वो दोबारा से सड़कों पर आ जाएंगे। जी चलिए जितिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।